वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। प्रथमे गुरुजी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय मेरो मां शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिन से भया शरीर नमो नमो गुरुदेव की जिन दिया भजन में सीर। लाल देह लाल लस हरिधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशु। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवा। चंद्र तपे सूरज तपे उदगण तपे आकाश इन सब से बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो। जय 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 श्री श्याम की। विनय करूं कर जोड़ पर भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत कियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए खाटू नरेश की। देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, यहां पर बहुत से लोग 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने संघर्ष किया है, 10-5% हो सकते हैं सोने चांदी की चम्मच लेकर आए हों, जिनके पिताजी या दादाजी ने इतना कुछ कमाया हो कि उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा हो, लेकिन 90% बल्कि मैं 90% बोल रहा हूं होगा ज्यादा ही। आप दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, जैसे जैसे आपकी हैसियत बढ़ती गई आपके खर्चे बढ़ते गए, ठीक है ना, अपनी पॉकेट के हिसाब से आपने खर्च किया, लेकिन कृपा के हिसाब से कृपा बढ़ी, कृपा के हिसाब से जयकार नहीं है। देखो पॉकेट में दाम आए सारे, जो कुछ आपके मन में था सब किया आपने, लेकिन कृपा आई तो बाबा की जयकार के अंदर में वो कृपा झलकी नहीं, हारे के सहारे की। ये बात
बालाजी सरकार की, सीताराम जी हनुमान जी की। आइए प्रेमियों, मैं आज नारनौल में कीर्तन करना चाहता हूं। आप भी कीर्तन करना चाहते हैं? आइए। जीवन गुजर रहा है अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले। बोलो जी। अब देखो, कई लोग बोलेंगे भाई अपना नहीं बनते तो हम दरबार में थोड़ी आते, कृपा नहीं होती तो दरबार में हम थोड़ी ना आते, इतने वर्षों से हम खाटू जा रहे हैं, कृपा नहीं होती तो। आपको एक बात बताऊं, ये मेरे भाव बता रहे हैं, और पूरे कीर्तन में मैं जो भी बोलूंगा वो मेरी राय होगी, वो मैं अपनी राय किसी पर थोपूंगा नहीं, मैं मेरी राय बताऊंगा, बोलूंगा जो मेरे दिल से यहां से निकले। कृपा नहीं है ये, दया है। अगर 20 साल से भी बुला रहे या 40 साल से भी बुला रहे तो मैं समझ रहा हूं कि अभी तक कृपा नहीं हुई है, ये दया है। दया, कृपा कब मानोगे? कृपा कब मानोगे? जब इसका नाम याद आए और सब कुछ भूल जाए, उस समय समझ लेना कि कृपा हो गई बाबा। अगर प्रभु की याद आई, मन में एक भूख उठी कि खाटू चलते हैं, अचानक दूसरे ही मिनट याद आता है कि कल तो इस व्यापारी से मिलना है, कल तो उस व्यापारी से मिलना है, कल तो फलाने रिश्तेदार से अब बहुत बड़ा कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, वहां जाना है। तो बाबा कहां रह गया? बाबा फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रहा है ना, बाबा फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रहा, बाबा सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में चला गया। तो समझ लेना बाबा के हम अभी तक नहीं बन पाए। कौन कौन बनना चाहता है बाबा का? कौन कौन, कौन कौन बनना चाहता है? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाथ उठाओ, और हालांकि मैं हाथ उठवाने के लिए कोई भी भजन गायक यदि कहता है ना, तो मैं आपको बताता हूं कि हाथ उठाने से भगवान नहीं मिलेगा, ये बात सच है, लेकिन इसका एक अलग इसका तरीका बताता हूं कि इंसान भगवान के सामने बैठकर भी भगवान का नहीं हो पाता। हमारा मस्तिष्क चारों तरफ घूमता रहता है कि आज हम क्या करके आए हैं, कल मार्केट में क्या होगा, कल क्या होगा, क्या होगा। हम यहां बैठकर भी दिमाग घूमता रहता है, ये हाथों को उठाते हैं, तालियां बजाते हैं, भजन गाने के लिए कहते हैं ना, तो 100 बार में अगर एक बार भी अगर आपकी ताली इसके ध्यान में लग गई, बस वहीं पर काम बनना है। जिसकी मर्जी हो उनसे निवेदन करूंगा कि इस दरबार में कोई भी सेवा करो, तालियों की सेवा करो तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। कौन कौन मनना चाहता है बाबा का? कौन कौन मिलकर एक साथ में तालियां बजाकर, एक दो चार। Yeah.
तेरी कृपा ही है जो तेरे सामने खड़ा हूँ। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, इस दरबार में जितने लोग भी हैं, अगर इसकी कृपा से यहाँ पर दरबार में पहुंचे हैं तो बोलना, तेरी कृपा ही है जो तेरे सामने खड़ा हूं। स्वार्थ के इस जगत में मैं सांस ले रहा हूं, रोया हूं मुफलिसी में, रोया हूं मुफलिसी में, भावों में अब रुला दे, भावों में अब रुला दे, जीवन गुजर रहा है अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, जीवन गुजर रहा है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इनको देखने के लिए आए हो कि अपने आप को बाबा को दिखाने के लिए आए हो? तालियां बजाओ ना, बोलो। जीवन गुजर रहा है अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, गुजर रहा है अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, जीवन गुजर रहा है। आप गाओगे आपको बनाएगा, मुझे नहीं बनाएगा। और एक बात सुन लेना, ये खाटू वाला देवता क्या चीज का देवता है पता है? ये भजनों का देवता है। एक बार सुनो, लॉजिकली बात बोल रहा हूं। हिंदुस्तान में जितने कीर्तन होते हैं उनके 95% कीर्तन खाटू वाले श्याम बाबा के होते हैं। क्यों होते हैं? कीर्तन करने से काम बनते हैं प्रेमियों, इसीलिए होते हैं। उठाओ हाथों को मिलकर तालियां बजा कर एक दम। बोलिए काम बनाने वाले की। इसलिए बोल रहा है कि आपके पॉकेट। तालियां बजाओ। अगर कोई अस्पताल में भर्ती है, नीचे 500 लोगों की लाइन लगी है 4 से 6 में, घमंड मत करना कि मुझे देखने के लिए 500 लोग आए। वो आपके लिए नहीं आए, आपके स्टेटस के लिए आए हैं। चार से छह में नीचे चाय नाश्ता करके चले जाएंगे, लेकिन इसका गुणगान किया हुआ काम आएगा। ये आएगा तो नीचे नहीं रुकेगा, सीधा सिरहाने आएगा, सिर पर हाथ फिराएगा और छुट्टी दिलाकर वापस ले जाएगा घर तक। किसको भरोसा है? किसको किसको इस रिश्तेदार पर भरोसा है? ये तालियां बजाकर मुझको पहले मुझे भरम था
किसी को करीब मेरे सिवा न पाया, किसी को करीब मेरे। तो बाबा एक कृपा और कर दो, अगले जन्म मिलोगे, अगले जन्म मिलोगे, विश्वास ये दिला दे, विश्वास ये दिला दे। जीवन गुजर रहा है अपना, मुझे बना ले अपना, मुझे बना ले। इस जन्म में तो श्याम मिल गया, कौन कौन अगले जन्म में भी श्याम को पाना चाहता है? पूरे हाथों को उठाकर ये तालियां बजाकर एक साथ में ये जो मौज है ना, ये मौज है, ये किस लिए है? प्रेमी क्या कहता है? बाबा मेरे जीवन में कोई बात न होती, बोलो। बाबा मेरे जीवन में कोई बात न होती, बाबा मेरे जीवन में कोई बात न होती, बोलो। जीवन में कोई बात न होती, जो तेरी कृपा की प्रभु बरसात न होती, जो तेरी कृपा की प्रभु बरसात न होती। ये कृपा नहीं तो और क्या? मैं तो कई कीर्तनों में कहता हूँ, ये ओम प्रकाश सहरावत जी है क्या? ये बांगड़ा जी है क्या? न गाते हैं न लिखते हैं, लेकिन आज अगर दरबार में आए तो कम से कम सैकड़ों लोगों ने पहचाना कि ओम प्रकाश जी है, ये भांगड़ा जी है। ये कृपा ही तो है ना प्रेमियों, ये कृपा ही तो है। इस दरबार की खासियत है, इस दरबार की खासियत है, अगर कोई फटे हाल भी इस दरबार में 10 बार चला गया, उसका भी नाम कर दिया मेरे खाते वाले। किसको 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 मिला इस दरबार से, किस पर कृपा बरसी है? पूरे हाथों से तालियां बजाकर एक साथ में भजन सुना बाबा को, दुनिया बदल देगा, वो मोबाइल तेरी दुनिया छीन लेगा। अब नहीं छूना उसको कीर्तन में, तालियां बजाओ। सुनिए सबसे प्यारी लाइन, तेरी गली में रहकर जानू बोलता है। अरे भाई रुको रुको सुनो, कोई बोलता है कि मैं 5 बार खाटू जाता हूं महीने में, लेकिन वो खाटू वाले के सामने खड़ा होता है फिर भी उसको खाटू वाले का ठिकाना नहीं मालूम है, और कोई 5 साल में 1 बार जाता है, लेकिन जब जब उसको याद आती है खाटू वाले की, खाटू वाला खाटू से निकलकर उसकी कुटिया में चला जाता है। लेकिन वो लोग जताते नहीं। पहले के समय में लोगों में बाबा बोलता था, बाबा बोलता था मतलब उनकी भक्ति इतनी होती थी
कि वो किसी को कुछ कह देते थे तो बाबा उसकी लाज रखते थे। लेकिन आज के समय में लोग, आज के समय में जिनमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे लोग नहीं हैं, आज भी कुछ करोड़ों में ऐसे हैं, एकाध दो पांच दस, लेकिन वो कुछ दिखाते नहीं। लेकिन जो दिखावा करते हैं ना, जो दिखावा करते हैं कि मैं श्याम भक्त हूं, मैं श्याम बाबा के ज्यादा करीब हूं, या मैं जब भी खाटू जाता हूं तो मुझे लाइन लगाने की दरकार नहीं पड़ती, मैं तो तुरंत वीआईपी से अंदर चला जाता हूं, आप वीआईपी की पहली लाइन में खड़े हो सकते हो प्रेमियों, लेकिन श्याम के दिल में राज नहीं कर सकते प्रेमियों। तेरी गली में रहकर जानू ना मैं ठिकाना, बोलो तेरी कर दे कृपा बस इतनी, दे दे मुझे ठिकाना, कर दे कृपा बस इतनी, दे दे मुझे ठिकाना, बाकी बचा जो जीवन सेवा में बस लगा ले, सेवा में बस लगा। जो बीत गई सो बीत गई, उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो जीवन बाकी बचा है वो अपनी सेवा में लगा लो। कौन कौन ये सेवा करना चाहता है, कौन कौन पूरे हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना, जीवन बचा रहा है अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, सब कुछ तेरा है दाता, सब कुछ तेरा है दाता, एहसास ये करा दे, एहसास ये करा दे, जीवन गुजर रहा है। बोलिए सांचे दरबार की, चंतार चंतार। आइए प्रेमियों, बहुत से दरबार में प्रेमी बैठे होंगे जिनको बाबा पर अटूट विश्वास है, और कोई भी तकलीफ आराम आती है, कोई भी तकलीफ आराम आती है तो वो तुरंत अपने सीने पर हाथ रखकर एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरा देखेगी ये दुनिया सारी, देखेगी ये दुनिया सारी, खाटू वाले की दातारी, खाटू वाले की दातारी, श्याम न रुक पाएगा मेरा भरोसा। किसको किसको भरोसा है, मिलकर बोलना, मेरा सांवरिया वाले की दातारी, खाटू वाले
वाले सितम ये सारे दुनिया वाले चाहे जितने कर ले सितम ये सारे दुनिया वाले आज रुला ले जी भर मुझको तड़पा ले तरसा ले आज रुला ले जी भर मुझको तड़पा ले तरसा ले जिसने जितना मुझको रुलाया जिसने जितना मुझको रुलाया उतना मिल जाएगा मेरा सांवरिया उसे कोई ताकतवर दबा रहा है पैसे से ताकत से अपने स्टेटस से उसको कोई जवाब मत देना दोनों भुजाओं को उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहना बाबा तू जाने और तेरा विश्वास दिलाता हूं कोई नहीं आएगा वो कितनी बड़ी ताकत होगी मेरे श्याम से बड़ी नहीं होगी उसकी पहचान सीएम से हो सकती है उसकी पहचान पीएम से हो सकती है लेकिन आपकी पहचान उससे है जिसने सीएम और पीएम बनाए हैं प्रेमियों उस पे भरोसा रखकर उसको कह देना आपको निकाल कर ले जाएगा किसको किसको भरोसा है किसको किसको ये भरोसे वाली तालियां बजाकर मुझको भरोसा इन पे अटल है देर भले हो जाए बोलो मुझको भरोसा इन पे अटल है देर भले हो जाए पर जब पानी हो सर ऊपर शाम भी ना रुक पाए पर जब पानी हो सर ऊपर शाम भी ना रुक पाए हो मैं दुख गम दूर सभी और हो मैं दुख गम दूर सभी और संकट घबराएगा मेरा छोटी छोटी बात में अपना धीरज खो देते हैं बाबा क्यों नहीं आया अब तक बाबा क्यों नहीं आया अब तक एक सवाल का जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके सामने दो पेशेंट हैं एक के पांव की हड्डी टूट गई आपके सामने में और एक को हार्ट अटैक आ गया आप सबसे पहले किसको लेकर दौड़ोगे अरे जोर से बोलो ना किसको लेकर दौड़ोगे हार्ट अटैक वाले को ना हड्डी टूटने वाला मर नहीं जाएगा अटैक वाले को नहीं बचाया जाएगा तो मर जाएगा तालियां बजाना अपना संकट आए ना और देर लग रही है तो सोच लेना मेरी हड्डी टूटी हुई है बाबा किसी अटैक वाले को बचाने गया है आएगा आएगा कितनी देर हो सकती है देर इतनी हो सकती है कि पानी यहां यहां तक आ जाए श्याम ना आए देर इतनी हो सकती है कि पानी यहां यहां तक आ जाए श्याम ना आए देर इतनी हो सकती है कि पानी यहां यहां तक आ जाए श्याम ना आए लेकिन 35 साल के 35
35 साल के तजुर्बे से कहता हूँ, इस दरबार में जो मैंने देखा है आज तक नहीं देखा कि पानी यहां से चला गया किसी भक्त के और श्याम नहीं। तकलीफ आए तो अपने मन में यह कहते रहना, मेरा सांवरिया बुझेगी मन ये हर्षाएगा। बोलो बोलो। इन अखियों की प्यास बुझेगी मन ये हर्षाएगा। होठ रहेंगे मौन भले ही चित्त ये बदलाएगा। होठ रहेंगे मौन भले ही चित्त ये लाएगा। सरगम देगा श्याम मुझे फिर, सरगम देगा श्याम मुझे फिर, निर्मल भी गाएगा मेरा। बोलिए खाटू लखदादार की। देखो मैं दोनों कैमरे वालों से निवेदन करता हूं भाई, ये इवेंट नहीं है, कीर्तन को इवेंट मत बनाओ। हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस कैमरे की नजर में आना चाहते हो कि इस कैमरे की नजर में? आप लोग प्लीज वहां से हट जाइए प्लीज। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए। ए भाई साहब, हेलो, ओ भाई साहब सुनिए। एक्चुअल बताऊं मैं आपको, सुनिए, मैं हर मंडल से निवेदन करूंगा, हालांकि सब बेकार की बातें होने जानी कुछ नहीं है। कीर्तन को आप लोग इवेंट बनाते हो, कीर्तन को आप लोग इवेंट बनाते हो और सारा ठिकरा गायकों पर फोड़ देते हो। मैं आपको महाराज सामने मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसका प्रूफ दे सकता हूं मैं। मैंने जिंदगी में जो पहला कीर्तन किया था, जिंदगी में जो पहला कीर्तन जब मुझे कोई पकड़ कर ले गया था, उस समय जब मैं गा रहा था तो बाबा की तस्वीर कलकत्ते में एक मकान के अंदर में नीचे बाबा की तस्वीर के साथ में मोर छड़ी लगी थी। अब इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, वो मोर छड़ी रखी रखी ऐसे हिलने लग गई। और जिसने कीर्तन कराया था, कब की बात बोल रहा हूं, 35 साल पहले वीडियोग्राफी हुई थी। उस समय वीडियो बहुत बड़ी बात होती थी, आपको बताऊं वो 1.5 से 2 मिनट वो मोड़ छड़ी ऐसे ऐसे घूमी, सबने देखा। लेकिन आपको बताऊं वीडियो के अंदर में वो पर्सन ब्लैंक हो गया। और सुनो, जिसने वो कीर्तन कराया उसका लड़का आज लंदन में सेटल है, और वो आदमी हर साल 6 महीने लंदन बेटे के पास रहकर आता है। उसने उस साल की वीडियो लेकर गया कि इंडियन टेक्नोलॉजी के अंदर में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो, लंदन ले जाकर वहां पे क्लियर करा लूंगा।
लेकिन लंदन से भी वही रिपोर्ट आई कि वो 1.5 मिनट जो है ना वो पूरा ब्लैंक था। ये जितने ताम झाम है ना, ये जितने ताम झाम है, ये आपको बाबा से दूर करते हैं। सच्चाई बताता हूं। आइए प्रेमियों, देखो मेरे, आप किसी कोई चैनल वाले अदर वे में मत लीजिएगा, मेरा किसी चैनल में ना तो मेरा चैनल लगा हुआ, ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई चैनल लगा हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने हमेशा से ही, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैं जहां भी कीर्तन में गया मैंने हमेशा से ही देखा कि बाबा के बीच में और भक्तों के बीच में ये कैमरे नहीं आने चाहिए। आइए एक भजन। इस दरबार में बहुत से लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो बहुत मुश्किल में है, जो बहुत तकलीफ में है, उनके लिए ये भजन है प्रेमी, उनके लिए ये भजन है, सुनना और सुनाना बाबा को। मैं गलत बोल रहा हूं? लीले पे चढ़ चुका है, बोलो लीले डोरी भी कस चुका है, डोरी भी कस चुका है, सुनो ये कीर्तन किया हुआ बेकार नहीं होता प्रेमियों। आप लोग जो बीच में से उठकर चले जाते हो ना कि नहीं मजा नहीं आ रहा, मजे के लिए आओगे तो शाम नहीं आएगा। कीर्तन करने वाले की पोबारा करता है, इतिहास उठाकर देख लो, रोज नए नए भजन गायक पैदा हो रहे हैं रोज, और सब पर कृपा है, सब पर कृपा है। लीले पर कब चढ़ता है पता है? जब कोई प्रेमी भजन गाता है और उसकी आंखों से दो बूंद टपक जाती है ना, तो बाबा कहीं भी बिजी रहे लीला देखता है। और आज मैंने एक जोत में बात देखी, मैं हैट्स ऑफ करता हूं मंडल को, आज मैंने जो जोत देखी है ऐसी जोत आज तक 35 सालों में नहीं देखी प्रेमियों। इतने घोड़ों की सवारी और बीच में लीला घोड़ा बाबा का विराजमान है। बाबा कहीं और काम बना रहे, लीला दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन लीला भी बाबा के प्रेमियों को देख रहा है। किसी के भजन गाते गाते दो बूंद टपक गई, लीले ने लिख लिया, बाबा फ्री हुए, लीला ही नहीं आया। बाबा ने बोला, अरे लीला क्यों ही नहीं आता है? लीला ने बोला, बाबा आपका वो प्रेमी भजन कर रहा था, उसकी आंखों से दो बूंद टपक गए, चलो ना बाबा। बाबा तुरंत लीले पर कूद गया। आप लोग गाड़ी चलाने के लिए इग्निशन ऑन कर देखो, लेकिन बाबा ने जैसे ही डोरी पकड़ी, लीला कट 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 दौड़ कर प्रेमी के घर पहुंच गया। देखिए मुझे नहीं मालूम, मैं अपने दिल की बात बोलता हूं, मेरे यहां पर है और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ इसलिए मैं बोलता हूं, बाबा का दरबार अगर आपके घर में है तो लीला भी होना चाहिए, बिना लीले के बाबा नहीं होना है ना। लीले पे चढ़ चुका है, बोलो लीले डोरी भी कस चुका है, डोरी भी कस चुका है, उठाओ हाथों को, क्यों कस चुका है? आता ही होगा श्याम, आता ही होगा श्याम, आता ही होगा श्याम, आता ही होगा श्याम। लीले पे चढ़ चुका है, डोरी भी कस चुका है, आता ही होगा श्याम। किसको किसको भरोसा है, ये तालियां बजाकर, हे हे हे।
बस थोड़ी देर रुक जा तू, बदलेगा सारा मंजर। बस थोड़ी देर रुक जा तू, बदलेगा सारा मंजर। जितनी भी है मुसीबतें तूफान और बवंडर, जितनी भी है मुसीबतें तूफान और बवंडर। बस थोड़ी देर रुक जा, बदलेगा सारा मंजर। जितनी भी है मुसीबतें तूफान और बवंडर, एक भी नहीं दिखेगा, ढूंढे से ना मिलेगा एक भी। क्यों क्यों क्यों, पूरे पूरे हाथ उठाओ, क्यों क्या बोलोगे? आता ही हो घसा, आता ही हो घसा, आता ही हो घसा, आता ही हो घसा। जिसको जिसको भरोसा है सिर्फ वही तालियां बजाना प्रेमी हो मिलकर। इसलिए नहीं निकल रही कि कृपा है बाबा को, तो हमने फॉर ग्रांटेड ले रखा है ना, क्योंकि बाबा ने अपनी मां को वचन दिया हारे का सहारा बनूंगा, और जब हारेंगे तो कह देंगे बाबा मैं हारा तू हारे का सहारा, इसको हारे इसको जिताना पड़ेगा। फिर हम प्रेमी थोड़े हुए, फिर तो हम सिर्फ लेने और देने के लिए जाते हैं। भजन, हम भी हैं प्रेमी बाबा के कहते तजुर्बे से हैं, हम भी हैं प्रेमी बाबा के कहते तजुर्बे से हैं। तूने किया भरोसा जो झुकने ना देते ये हैं, तूने किया भरोसा जो झुकने ना देते कर सबर तू, जाना न दूजे दर तू, थोड़ा सा कर सबर तू, जाना न दूजे दर तू। आता ही हो घसा, आता ही हो घसा, किसको किसको महसूस हुआ कि मेरा आज ये काम बनाया, ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरे बाबा ने बनाया। ये तालियां बजा के ए दो ए घबराता क्यों है प्यारे, घबराता क्यों है प्यारे, समझा जिया को आ रहे हारे के हैं सहारे, समझा जिया को आ रहे हारे के हैं सहारे। मेरे श्याम
सी उथल पुथल हुई, घबरा गए और इधर उधर भटकने लगे। अरे पगले, अपने जिया को, अपने दिल को समझा कि हारे के सहारे आ रहे हैं। समझा जिया को आ रहे हारे के है सहारे, समझा जिया को आ रहे हारे के है सहारे। मेरे श्याम विश्वास रख कमल, तू होगा नहीं विफल, तू विश्वास रख कमल, तू होगा नहीं विफल, तू आता ही होगा श्याम, आता ही होगा श्याम, आता ही होगा श्याम, आता ही होगा श्याम। ये भजन मैंने उन लोगों के लिए गाया है जो मन में, जो परेशानी में है, जिनका मन घबरा रहा है। दोनों हाथों से तालियां बजाकर गाना, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, मिलकर। लीले पे चढ़ चुका है, डोरी भी कस चुका है, बोलो बोलो। लीले पे चढ़ चुका है, डोरी भी कस चुका है, लखदातार की। आज से कोई 40-45 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट समय नहीं मालूम, रविंद्र जैन साहब खाटू गए थे। एक पिक्चर उन्होंने बनाई, श्याम तेरे कितने नाम। उस पिक्चर में उन्होंने एक गाना बनाया और गाना खाटू वाले श्याम बाबा के लिए फिल्म आया, और उसमें दिखाया कि एक बांझ औरत थी जिसको कोई औलाद नहीं हो रही थी, और उसने जाकर गुहार लगाई। रविंद्र जैन साहब ने तो गाना बनाकर पिक्चर में पिक्चराइज कर दिया, लेकिन वो गाना अमर बन गया। उस गाने से लाखों लोगों के काम बने, सिर्फ औलाद ही नहीं मिली बल्कि इज्जत, शौहरत, पैसा, सब कुछ मिला बाबा के उस दरबार में, पावन दरबार में। तो आइए, मैं समझता हूँ जितने प्रेमी बैठे हैं, जो श्याम बाबा के पुराने प्रेमी हैं, उनको ये भजन जरूर आता होगा, याद होगा। सब मिलकर इस भजन को मेरे साथ गाएं। बोलिए, कृपा बरसाने वाले की, तुझसा एक सलोना हो बाबा। हमको क्या जोवन उपवन में, हमको क्या जोवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे, हमको क्या जो ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे श्याम। 2022 अप्रैल में, मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद है, 24 अप्रैल नागपुर में एक पान वाले के यहां पर कीर्तन था। वो कलकत्ते से खाटू की यात्रा में बीच में आया था, और सुबह सुबह 4:45 बजे उन्होंने हम लोगों को चाय पिलाई थी, और पिलाकर मुझसे पूछा कि क्या गरीब के यहां कीर्तन नहीं हो सकता। तो उस समय मुंह से ही निकल गया कि तेरे यहां बाबा का कीर्तन जरूर होगा। नागपुर में उसके यहां कीर्तन हुआ 24 तारीख को, एक सड़क की गली के अंदर में कीर्तन था,
कीर्तन में प्रवेश करने से पहले पति पत्नी खड़े थे, कीर्तन शुरू नहीं हुआ, रो रहे थे। मैं जा रहा था, उन्होंने जय श्री श्याम की। मैंने कहा आप लोग कीर्तन शुरू नहीं हुआ, रो रहे हो, अंदर चलिए, बाबा के दरबार में जो कहना है कहिए, आपके बाबा सुनेगा। उन्होंने कहा भाई साहब हम दिन भर रोते रहते हैं। बोले हमें नहीं मालूम था खाटू वाला कौन है। और उसने बताया 17-18 साल बताया कि 18 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं थी और दुनिया का हर डॉक्टर हमने तलाश लिया। किसी श्याम प्रेमी ने हमें कहा कि बाबा के मंदिर के पुजारी जी को जाकर आम दिनों में अपना दर्द बता दो और वो बाबा से प्रार्थना कर देंगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। बोले हम खाटू गए, पुजारी जी को कहा और पुजारी जी ने हमें एक वस्त्र दिया और हमने वो धारण किया। मैंने एक मांगा था, बाबा ने मुझे दो दो औलाद दिए। मैं महाराज के सामने झूठ नहीं बोलता। अभी नरवाना या उचाना कहां पे कीर्तन था, 3-4 महीना पहले, एक बहुत मोटी औरत लाइव था वो, उसने खड़े होकर कहा कि 20 साल बाद उसे बाबा ने, वो अपने बच्चे को लेकर आई, 2 महीना या 3 महीना का बच्चा था, अपनी गोद में वो बच्चा को लेकर आई कि 20 साल बाद, और उसने दिखाया मेरा शरीर देखो, इसके बावजूद बाबा ने मुझे ये लड़का दिया है। आप पता है आप कहां बैठे हो? आप वहां बैठे हो जहां कुछ भी असंभव नहीं है। अगर गिनाने लग जाऊं ना विद प्रूफ, यदि गिनाने लग जाऊं तो रात पूरी बीत जाएगी। बड़े बड़े ज्योतिषों को फेल किया है खाटू वाले ने, इसकी कृपा जिस पर हो जाए, विघ्ना का लेख बदल दिया, बदलना पड़ा। जिसने कह दिया बाबा तू मेरा और मैं तेरा, और जो बनने की कोशिश की जिसने, उसका नक्षत्र कितना ही खराब हो, मैं नहीं कहता कि ग्रह काम नहीं करते, मैं नहीं कहता कि ज्योतिष विद्या गलत है, लेकिन अगर आपके नक्षत्र काम नहीं कर रहे हैं और अगर आपने अपने जीवन की डोर इनके हाथ दे दी है तो उनसे जाकर ये बात करते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इस पर कृपा कर दो महाराज। दानी होकर तू चुप बैठा, बोलो दानी होकर तू चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे, दानी होकर तू चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगते दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगते दुखारी रे, श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। पिंगल के जो वृक्ष न सोहे, इन बालक जो नारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। आज जिसको जो मांगना है मांग लेना, आज बाबा के दरबार में कीर्तन हो रहा है, पूरे पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर। बाबा जी अभी मन में एक बात आई है कि वहां मंदिर के प्रांगण में अगर मैं जिंदा रहा, बाबा बुलाए हारमोनियम और ढोलक पर एक कीर्तन करेंगे हम लोग। श्याम सुंदर ने खुश होकर तुम्हें अपना रूप दिया है, बाबा
संसार को पार किया है, हमरे संकट दूर न हो तो, हमरे संकट दूर न हो तो ये बदनामी थारी रे, हमरे संकट दूर न हो तो ये बदनामी थारी रे, श्याम बाबा तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, किसको किसको बाबा की कृपा पर भरोसा है, किसको किसको जय जय बार मैं तुम्हें पुकारूं, बार बार मैं तुम्हें पुकारूं, सुन लो लखदातार हो बाबा, सुन लो लखदातार, नैया हमारी श्याम आके लगा दो पार, नैया हमारी श्याम आके लगा दो पार, किसकी किसकी पार लगाई है भाई, तालियों की आवाज आओ ना, जब तक आशा पूरी न होगी दर से हम न हटेंगे, दर से हम न हटेंगे, दर से हम न हटेंगे, सब भक्तों को बहका देंगे, तेरा नाम ही लेंगे, बाबा तेरा नाम ही लेंगे, बाबा तेरा नाम ही लेंगे, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी, रविंद्र जैन साहब ने क्या लिखा था, सब भक्तों को बहका देंगे तेरा नाम ना, तालियां बजाओ, श्याम भक्तों को मालूम था इस दरबार में ना नहीं है, कमी हमारे में है, इसलिए कहा बाबा जब तक काम नहीं बनेगा छोड़ेंगे नहीं, और सारी दुनिया के भिखारियों को बोल देंगे यहां पर भंडारा लूट रहा है आ जाओ, तालियां बजाओ ना, नतीजा देख रहे हो, फागुन में 20 दिन बाबा का पटबंध नहीं हुआ, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे, श्याम बाबा तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा तू तेरे भगत दुखारी रे, धानी होकर तू चुप बैठा, आज के समय कहीं सर से सुनो सेठ जी लोगों, पहले मर्सिडीज लेकर डायरेक्ट मंदिर तक पहुंचते थे ना, अब 500 करोड़ का आदमी भी टोटो में बैठ कर जाता है, हाँ शरावत जी 500 करोड़ का आदमी भी जो है ना, अभी तो चलो कोई बात नहीं किसी तरह दायां बायां करके थोड़ा, लेकिन चलना पड़ता है अभी भी, समय आने वाला है क्या पता रिंगस में गाड़ी छोड़नी पड़े, सच्चाई बोल रहा हूं,
जो बेचारे बस में आते थे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मोटे मोटे सेठ जो तोंद हिलाकर जो गाड़ियों में बैठकर और बड़े शान से नीचे उतरते थे ना, हम जैसे भी कभी 100 मीटर नहीं चलते पैदल। लेकिन आपको बता दूं, ये वो दरबार है, सुनना, मैं रहूं ना रहूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आज का दिन याद रख लेना और 10 साल बाद याद रख लेना, आज कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष यदि आता है तो यदि उसको ताजमहल दिखाया जाता है ना, वो दिन दूर नहीं जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो वो बोलेगा मुझे खाटू श्याम जाना है। हो सकता है कई लोग इसको मजाक में उड़ाएं, लेकिन मैं आपको ये बात दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि इसके नाम की जो हवा बह रही है ना, ये जो हवा बह रही है, 7 समंदर पार तक चली गई है प्रेमियों, 7 समंदर पार तक ये हवा चली गई है, बस मैक्सिमम 5 से 10 साल की कहानी है, बस इससे ज्यादा नहीं। और रिंगस में तो हो सकता है कि 5 साल के अंदर में नंबर आ जाएगा कि रिंगस में टोकन कटाने पड़ेंगे, जैसे कटरा में आपको टोकन कटाने पड़ते हैं ना, ऊपर भीड़ है अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो सुन लो, उससे पहले हम लोगों को वो दिन याद आते हैं बागड़ा जी, शेरावत जी, जब हम लोग चबूतरे के ऊपर में 5-5 घंटे पड़े रहते थे, नगाड़ी पर कीर्तन होता था, नाचते कूदते थे, वहीं पर दिन में भोग लेते थे, रात को वहीं पर भोग लेते थे, वो दिन याद है, वो भटके आते हैं, आज 2 सेकंड के लिए भी दरबार में पहुंचते हैं तो बस। लेकिन आज ये व्यवस्था को दोष नहीं है, भीड़ बढ़ेगी तो आपको जो व्यवस्था है उसके अंदर में साथ देना पड़ेगा। 2 सेकंड के दर्शन बहुत होते हैं, और आपको एक बार बता दूं, हमने बाबा को देखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा ने हमको कैसे देखा है उसमें फर्क पड़ता है। बोलिए लख दातार की। आइए अब ये भजन कि मैं क्या था और क्या से क्या बन गया। मैं ना था किसी काम का, बन ना सका मैं श्याम का। बोलो मैं पर इसने प्रबंध किया है, पर इसने प्रबंध किया है मेरे हर आराम का। बोलो पर इसने, अरे बतरा जी बोलो ना, नहीं पहले बताओ। नारनौल में रहते थे, श्याम बाबा का नाम लिया होगा, श्याम बाबा ने बोला दिल्ली चला जा, दिल्ली चले गए और सब पर हाथ फेर दिया, सबको धो दिया। लेकिन धोने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, अपनी मेहनत, अपनी श्रद्धा, अपने भाव से और बाबा की सेवा से, है ना। तो कैसे बने, ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, यहां पर बहुत से होंगे। एक वक्त था जब मैं भी 200 रुपए की नौकरी करता था, एक वक्त था 200 की करी, 300 की करी, फिर 18 महीने फ्री में नौकरी करी, उसके बाद अपने रिश्तेदार के यहाँ 800 की नौकरी करी, उसके बाद 5000 की नौकरी करी, उसके बाद बाबा ने कहा, जब कीर्तन करने लग गया, बाबा ने कहा छोड़ नौकरी वोकरी, तुझे तेरे मन का मालिक बनाता हूँ, तुझे तेरे मन का मालिक बताता हूँ। और सुनो आपको एक बात और बता दूँ, इस दरबार में कहता हूँ, मुझे कोई कहने में कोई, मैं किसी बात से कोई डरता नहीं। शुरू के 10 साल जो मुफलिसी के थे, जब रात को खाना मिला तो सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन 10 सालों के अंदर में कीर्तन बाबा को सिर्फ दिल से किया, उस समय कीर्तन कोई प्रोफेशनली नहीं किया था। लेकिन जब बाबा ने कहा नौकरी छोड़ मेरी नौकरी कर, तब बाबा के शरण में लगा और बाबा ने दुनिया का सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। इसलिए आज सेना तान कर कहते हैं, अगर आपको भी कृपा हुई है, देखो डिजायर इज एंडलेस। कोई सोचे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो वो तो देखो
सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन जिसको ये मालूम है कि हमारी औकात 10 रुपए की नहीं थी और आज बाबा ने करोड़ों में खिला दिया, तो समझ लो बाबा की कृपा है और संतुष्ट है। पूरे पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे, और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना, मैं ना था किसी काम का, धन न सका मैं शाम का, मैं ना था किसी काम का, धन न सका मैं शाम का, पर इसने प्रबंध किया है, पर इसने प्रबंध किया है मेरे हर आराम का, मैं ना था किसी काम का, धन न सका मैं शाम का, मैं ना था किसी काम का, धन न सका मैं शाम। कभी मैं देखूं इनकी रहमत, कभी मैं देखूं खुद को, कभी मैं देखूं इनकी रहमत, हम जैसों के लिए उठा था कौन है इतनी जहमत, हम जैसों के लिए उठा था कौन है इतनी जहमत, जिसका कोई वजूद न होता, जिसका कोई वजूद न होता वो बन जाता काम का, ना था किस काम का, न सका मैं शाम का, मैं ना था किस काम का, बन न सका मैं शाम का, जो श्याम के कारण बने हैं वो हाथ उठाना, जो श्याम के कारण बने हैं वो हाथ उठाना, तालियां बजा कर एक साथ ले, एक दो तीन चार। अदालत श्याम से देखी न कोई अदालत, देखी कई अदालत श्याम से देखी न कोई अदालत, पहली बार में न्याय चुका था करनी न पड़ती वकालत, पहली बार में न्याय चुका था करनी न पड़ती वकालत, न्याय सदा ही सांचा होता, न्याय सदा ही सांचा होता, खाटू वाले श्याम का, रहना था किस काम का, न सका मैं शाम का, मैं ना था किस काम का, न सका मैं। कौन कौन मानता है सच्चा न्याय होता है, बोल साचे दरबार की। हम तो हैं तेरे दीवाने, दुनिया से हो गए बेगाने, बोलो 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 बोलो, हम तो हैं तेरे दीवाने, दुनिया से हो गए बेगाने, तेरे सपने दिल में लगे सजाने, तेरे सपने दिल में लगे सजाने, हम तो हैं तेरे दीवाने, बेबी मेरी प्रीत न दिखती, बेबी मेरी प्रीत न दिखती, तू बता दे शाम से प्रेम तुमको है के नहीं, प्रेम तुमको है के नहीं। कौन कौन बाबा से प्यार करता है, एक सवाल है इस प्रेमी का, एक सवाल है इस प्रेमी का, तू बता दे शाम से प्रेम तुमको है कि नहीं, प्रेम तुमको है कि नहीं। किसको किसको आता है, पूरी ताकत से
मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। किसके किसके सिर पे बाबा का? सिर पर हाथ रहेगा श्याम का, श्याम भजन तू गाले, सिर पर हाथ रहेगा श्याम का, श्याम भजन तू गाले। ऐसा झूमेगा पी कर तू, ऐसा झूमेगा पी कर तू, श्याम नाम के जाम का है ना था किस काम का, नस का मैं श्याम का है ना था किस काम का, नस का मैं श्याम का। पर इसने प्रबंध किया है, पर इसने प्रबंध किया है मेरे हर आराम का, मैं ना था किस काम का, नस का मैं श्याम का, मैं ना था किस काम का, बन ना सका मैं श्याम का। बोले श्याम प्यारे की हारे के